हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेशमास टेस्टी फूड चैनल में। और आज हम बना रहे हैं पराठे। तो ये गोभी के पराठे आप लंच पर भी बना सकते हो, ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, डिनर में बना सकते हो, और इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। तो पत्ता गोभी के इस पराठे को मैंने सर्व किया है दही और टमाटो सॉस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी लिया है और एक छोटी ग्रेटर लिए है क्योंकि हमें बारीक ही इसे ग्रेट करना है। आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो। सिर्फ यहाँ पर मैं चार ही पराठे बनाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे आधे का ही ग्रेट किया है। इसका पानी हम नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर लिया है मैंने बाउल। बाउल में डाला है मैंने 1 कप इतना गेहूं का आटा, 2 चम्मच इतना मैंने बेसन का आटा डाला है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप किया है, ये धनिया के पत्ते हैं, ए हाफ टी एस पी इतनी रेड चिली पाउडर, 1/4 TSP इतने यहाँ पर मैंने ली है जीरा पाउडर, 1/2 TSP इतना गरम मसाला। और इसमें अब हम डालेंगे धनिया की पाउडर 1/2 TSP इतनी। बेसन डाला है इसलिए यहाँ पर हमने 1/4 TSP इतना अजवाइन हाथ से क्रश करके डाला है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 TSP इतनी हल्दी की पाउडर। अब जो ग्रेट किया हुआ हमारा पत्ता गोभी था इसे भी हम इसमें डालेंगे। अब स्वादानुसार नमक डाल के हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे। तो पत्ता गोभी का पानी हमने निकाल नहीं दिया है, इसलिए इस आटे को हम इसी पत्ता गोभी में मिक्स करेंगे। और अगर हमें एक्स्ट्रा पानी लगता है तो बाद में ऊपर से ले लेंगे। तो करीब 3 से 4 टेबलस्पून में ही हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब इसे रेस्ट करने के लिए हम 10 मिनट ढककर रख देते हैं। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर तेल लगाया है और तेल लगाकर हम इसे ढककर रख देंगे। तो तेल लगाने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा मसल दिया है और वो ढककर रख दिया है। 10 मिनट के बाद हम फिर से आटे को अच्छे से गूंदेंगे और फिर इसके इस तरह से गोले बनाकर रख देंगे। तो थोड़े से आटे से भुरभुरा कर मैंने इस तरह से पराठे को बेल दिया है और इस पराठे को मैं सेकने वाली हूँ घी के साथ। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो ये पत्ता गोभी के पराठों को मैंने दोनों तरफ से घी लगाकर सेक दिया है। अगर आप इसे लंच में बनाते हो तो आप दही के साथ सॉस के साथ पराठों को सर्व कीजिए और दाल चावल, आपकी लंच थाली बनके तैयार है। अगर आप डिनर में बनाते हो तो दही को स्किप कर दीजिएगा। आप इन्हें बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो सॉस के साथ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय।